बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास बैंगन है, घर के बैंगन फ्रेश 5 अदद, प्याज है 2 अदद छोटी, टमाटर 1, हरी मिर्चें 9 से 10 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा, चाट का मसाला, नमक, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें मेयरमेंट स्पून की, ये छोटे चम्मच 1/2 टीस्पून से ले ली गई हैं। ओके, और इसके बाद ये लीमू का रस 1/2 टीस्पून। इन सबको बाद में देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम बैंगन को थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे बर्तन को। ग्रीस करने के बाद इसमें हम अपने सारे बैंगन रख लेंगे। बैंगन रखने के बाद हम चूल्हा ऑन करके इसको मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद वक्फे में इसको खोल के हम इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे, जब हमारे बैंगन पक जाएंगे उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। जब तक हमारे बैंगन हो रहे हैं तब तक हम अपनी इन सारी चीज़ों का मसाला बना लेते हैं। जो प्याज हमने ली थी वो चॉपर में डाल लेंगे, टमाटर, हमारा चॉपर छोटा था और चीज़ें ज़्यादा थी इसलिए हमने 1/2 चीज़ें निकाल ली हैं। इसको हम चॉप कर लेंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा और चॉप करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने जो बाकी का है मिक्सचर उसको भी चॉप कर लेते हैं। हाँ, जो बाकी का मिक्सचर था वो भी मैंने उसमें डाल के चॉप कर लिया है। सारा चॉप करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब जो मसाले हैं वो सारे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। साथ साथ काउंटर को साफ करते रहिएगा। और ये जो लेमन का जूस है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, बंदा नर्वस हो ही जाता है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। अब हम अपने बैंगन्स को देख लेते हैं।
एक एक साइड बैंगन की देखें हो गई है, अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। जब हमारे बैंगन मुकम्मल गल जाएंगे तो फिर हम दोबारा मिलते हैं आपसे। आइए हम बैंगन को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसके ऐसे छींटे उड़ेंगे, इसीलिए इसको कवर करके रखना ज़रूरी है। इसको एक स्पून की मदद से चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। नहीं, अभी ये सॉफ्ट नहीं है। आइए हम अपने बैंगन को देख लेते हैं। पकने के बाद बैंगन कुछ ऐसे हैं, इनको अब हम पानी में डाल देंगे। जब ये अच्छे ठंडे हो जाएंगे तो हम इनके छिलके रिमूव कर देंगे। हम इनके छिलके उतार लेते हैं। हमने सारे बैंगनों के छिलके उतार लिए हैं और अब हम इनको मैश करेंगे। मैश करें या छुरी की मदद से इसको छोटा छोटा काट लें, लेकिन मैं थोड़े गर्म है तो इसलिए इनको मैश कर रही हूँ, वरना आप अपनी मर्ज़ी से छुरी से भी कर सकते हैं। जो ये बैंगन का पानी निकल रहा है इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करिएगा, इसी से इनका टेस्ट दुबाला होगा। इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी का इतना मज़ा आएगा, मैं आपको इसके साथ रोटी बना के सर्व भी करके दिखाऊंगी। ये अब हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आपके लिए ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी भी बनाई है साथ, ताकि आपको इसकी फाइनल लुक दिखा सकूँ। ये देसी घी के साथ मैं इसको ये देखें, मैंने देसी घी लगा लिया रोटी पे। आप देसी घी का कोई नुकसान नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखें फाइनल लुक, ये देखिए फाइनल लुक। अब मैं आपको इसके ऊपर ये रख के अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना। अभी रोटी बहुत गर्म है, ये बैंगन का भरता भी गर्म है।
ये बहुत ही मज़े का बना है, आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, ट्राई करिएगा। इसमें नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। हरी मिर्ची अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और हरी मिर्च कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया सेम ऐसे ही करिएगा, बहुत मज़े का बना है। आप इसको सफ़ेद वाइट चावल जो होते हैं उनके बॉयल चावल उनके साथ भी खा सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।